बाल संस्कार और महिला मंडल द्वारा संत श्री आसाराम जी बापू के 83वें अवतरण दिवस के निमित्त जय श्री राम का जयकारा लगाते हुए भगवा रंग के झंडे लिए भगवान नाम कीर्तन यात्रा सरस्वती नगर दुर्ग में निकाली गई। संत श्री आसाराम बापू जी के अनुयायियों की विभिन्न इकाइयों द्वारा मिलकर दुर्ग में उनका 38वां जन्म दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर जय श्री राम के जयकारे लगाते हुए भगवा रंग के झंडे हाथ में लिए भक्तों ने कीर्तन यात्रा निकाली। इस कीर्तन यात्रा ने दुर्ग शहर के कई क्षेत्रों का भ्रमण किया और संत श्री आसाराम जी बापू को मानने वाले जगह जगह पर इस कीर्तन यात्रा के लिए सेवा के पंडाल लगाए हुए थे, जिसमें भीषण गर्मी से राहत देने के लिए ठंडे शरबत का वितरण भी किया जा रहा था। इस आयोजन के माध्यम से संत श्री आसाराम जी बापू के भक्तों में काफी हर्ष देखने को मिला और कुछ समय के लिए पूरा दुर्ग शहर संत श्री आसाराम जी बापू के जयकारों से गुंजायमान हो उठा। कार्यक्रम की जानकारी युवा सेवा संघ दुर्ग भिलाई के प्रभारी ओम प्रकाश साहू ने ग्रैंड एशियन न्यूज को दी है। आपका नाम और परिचय बताएंगे? मैं ओम प्रकाश साहू, युवा सेवा संघ प्रभारी भिलाई दुर्ग। हिंदू मंच के यहाँ जो रैली थी, वहाँ 10,000 के जो रैली था, 10,000 के संख्या में जो आए हुए थे, उनके बीच में हम लोग शरबत वितरण किए हैं। बापू संत श्री आसाराम जी बापू के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में यह शरबत वितरण हुआ है। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ समिति और युवा सेवा संघ, बाल संस्कार, महिला मंडल सभी के सहयोग से यह कार्यक्रम हुआ है। साथ में ये हिंदू मंच के रैली में हमारे गुरु जी की शोभा यात्रा भी निकाले साथ में। बहुत ही उत्साह के साथ यह कार्यक्रम हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। और समिति की अध्यक्ष चंदू भाई चंद्राकर ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी निकाले और आने वाले साल में भी हिंदू मंच के सभी भाइयों को, हिंदू भाइयों को शरबत वितरण करेंगे, जिससे उनका उत्साह बढ़े यह कार्यक्रम में। संत श्री आसाराम जी बापू के अनुयायियों द्वारा लगातार उनकी रिहाई की मांग शासन प्रशासन से की जाती रही है और ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से ये बताया जाता रहा है कि संत श्री आसाराम जी बापू निर्दोष हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।